आहरे खाने का इतना कुछ जुनून ही हुआ है कि इतनी तेज बारिश में ना इसे दिल कर रहा है आहरे खाने का। आहरे बोलते हैं इनको, आई डोंट नो, ये कोई फ्रूट है, फ्रूट है ना? हाँ। चेक करवाओ जरा मुझे, इतना भी कोई भूखा ना हो दानिश। क्या ना है कह रहे, तू खा से तुकी पता चल सी, यानी कि बहुत मजे के हैं। सो लेट्स ट्राई। पंचपीर रॉक्स जाने का, नर जाने का। सो अभी हम लोग घर से थोड़ा लेट निकले, अभी ऑलमोस्ट 3:45 हो गए और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग टॉप पे जाएं और आपको वीडियो साथ बताएं। आज का व्लॉग थोड़ा सा डेंजरस भी होने वाला है और थोड़ा सा रिस्क भी हमने लिया है, क्योंकि आज मैं आई हूँ भाई के साथ बाइक पर। तो बाइक पर आपको पता है कि वीडियो शूट करना कितना मुश्किल होता है और थोड़ा सा जो है ना रिस्की भी है। मुझे आज बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी रास्ते से, मैं कुछ क्लिप्स बना रही, मुझे बस ऐसे लग रहा था कि जैसे फ़ोन मेरे हाथ से गिर जाएगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक लाजमी देखिएगा, और नए लोग जो आए हैं मेरे चैनल पे, मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो चलते हैं आगे, साथ साथ आपको करते हैं अपडेट। एज यू कैन सी, हम लोग आज बाइक पे हैं और आज का मिलाव जो हमारा थोड़ा सा जो है ना डेंजरस भी होगा। भाई मेरा मुझे मना कर रहा है कि बिल्कुल भी नहीं शूट करो वीडियो, क्योंकि पता नहीं चलता मोड इतने खतरनाक ही कि अचानक गाड़ी आ जाती है, तो डर भी लग रहा है, लेकिन वीडियो भी बना रही हूँ, इतना ज़्यादा रिस्क ले रही हूँ आप सबके लिए। तो आप सबने मेरी वीडियो लाजमी लाइक करनी है, और इसके अलावा जो कोटा से बिलोंग करते हैं या फिर नरवली साइड से लोग बिलोंग करते हैं, लाजमी अपने अपने गाँव का नाम आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा साथ ही मैं आप लोगों को बताती चलूँ, व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है। हम लोग पहुँच गए हैं दुबेरन, इसको मैं दूरबीन पढ़ रही थी लेकिन मेरा भाई कहता है कि ये है दुबेरन। यहाँ से एक रास्ता जाता है जो शॉर्टकट है, और यहाँ का नाम है इस्लामगढ़ नड़ रोड से यहाँ से शॉर्टकट एक रास्ता जाता है। देखिए क्या खूबसूरत व्यू है, कैमरा बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर पा रहा उस तरह से जैसे जो है ना ये असल में नज़र आ रहा है। तो अभी हम पहुँच गए हैं जलालाबाद, हमारा वो है मंडियाला, उसके नाम लिखा हुआ है इसलिए आप लोग मुझे बताएं आपके लोग जो यहाँ है।
इंशाल्लाह हम लोग पहुँच जाएंगे। थोड़ा जो है ना चढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं और रास्ता भी ख़राब है और बाइक भी हाई हाई कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि बाइक पे जो है ना सफ़र थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे इलाके का, लेकिन मज़ा भी ज़्यादा बाइक पे आता है। इंसान अपनी आंखों से हर चीज़ देख सकता है, रास्ता ख़राब भी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा लग रहा है, रास्ता बड़ा खतरनाक है। और मैं अपने बाइक के साथ कुर्सी का विद करना है, सो भी मैं वीडियो कर रही हूँ स्टॉप, लेकिन साथ साथ कोशिश करूँगी कि आप लोगों को व्यू भी दिखाऊँ। हालत बड़ी टाइट हुई है, और इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे, कोशिश करेंगे कि वीडियो बने, इतनी डेंजरस और इतनी रिस्की वीडियो, और सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए। दानिश मुझे डराने की नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन आगे भी डर भी लग रहा है बीच बीच में। आगे चलो, मुझे पता नहीं क्यों ये दरअसल शाम के टाइम हॉरर लगना शुरू हो जाते हैं। एनीवे हम लोग जो है ना, बस शुक्र है कोई गाड़ी नज़र आती है तो मतलब शुक्र अल्लाह का अदा करते हैं, नहीं तो इतनी वीरानी है यहाँ पे। ग्रुपिंग में आप आएँ तो डेफिनेटली आप इंजॉय कर सकते हैं, ट्रिप भी आप लोग आएँ, बट रास्ते कुछ ऐसे हैं पे दरख्तों की जो है ना कंडीशन काफ़ी आप लोगों को लग रही होगी, मतलब जैसे नीचे से जले हुए। सो उसकी रीज़न ये है कि अभी पिछले मतलब कुछ मंथ्स में जो है ना यहाँ पे जंगल में आग लग गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दरख्त जो है ना जल गए थे। तो ये इस वजह से नीचे से बिल्कुल जो है ना इनकी कंडीशन आपको ऐसी लग रही है, अगर रोड हो और फिर आपको ऐसा लगे कि जैसे आप रास्ता भूल गए और काफ़ी ज़्यादा आप रास्ता तय करके भी आ गए, तो आपकी कैसी फीलिंग होगी? टाइम कुछ ऐसा ही फील हो रहा है, जैसे रास्ता भूल गए, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस जैसा कि आ गए और अभी भी आगे जाते जा रहे हैं, रोड ख़त्म नहीं हो रही, टेंशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि कहीं ये ना हो हम रास्ता भूल गए या क्या चीज़ें, कुछ समझ नहीं लग रही। रोड इतनी ख़राब है कि कोई क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहे, अल्लाह करे हम लोग पहुँच जाएँ। ना यहाँ पर कोई इंसान है और ना यहाँ पर कोई हैवान है, कोई मतलब जानवर, कोई इंसान कोई नज़र ही नहीं आ रहा, जिससे हम थोड़ी गाइडलाइन लें कि हम लोग अभी कहाँ पहुँच गए। अभी हम लोग पहुंच गए हैं, थोड़े से ऊपर आए, थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा ऊपर। रास्ते में हम लोग को लग रहा था जैसे हम लोग रास्ता भूल गए, और इतनी टेंशन थी और बिल्कुल वीरानगी थी, और कोई इंसान के नाम मतलब कोई था ही नहीं वहाँ पे। हम किसी से पूछें कि रास्ता कौन सा है ना, हमें डाउट था और मेरे भाई को भी नहीं कन्फर्म हो रहा था, बहुत ज़्यादा टेंशन थी। देन फाइनली हम लोग को एक बच्चा नज़र आया, उसने हमें थोड़ा गाइड किया, तो अभी हम लोग थोड़े ऊपर आ गए। लेकिन अभी हो गया टाइम 5:19, सो ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाएंगे तो अंधेरा हो जाएगा और कुछ वीडियोस भी नहीं हास बनेंगे। अभी वेदर भी आप लोग जैसे कि ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, या फिर शायद कैमरे में उस तरह नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बारिश का मौसम बना हुआ है और बारिश में यहाँ पर आना थोड़ा खतरे का ही काम है। हम लोग जिस तरह आए हुए इस तरह तो ज़्यादा खतरे का काम है बाइक पे। और दूसरी बात ये कि हमें ऐसा लग रहा था जैसे बाइक जो है ना पंचर हो जाएगा, लेकिन ये हुआ कि साथ दिया हमारे बाइक ने और हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। अभी आप यहाँ से व्यू देखें ज़रा, कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। यहाँ आके आपको रियलाइज़ होगा कि नेचर में क्या खूबसूरती है, आपको पता चलेगा कि क्या व्यू आता है। हम लोग शहरों में रहते हैं तो हम लोग जो है भूल जाते हैं गाँव की लाइफ को। टाइम हो गया 5:19 और अभी चलते हैं हम लोग आगे थोड़ा सा, और साथ आप लोगों को दिखाते हैं जहाँ तक हम पहुँच सकें वहाँ तक मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। सो मेरे साथ डिस्कवर करें ब्यूटी कोहटा की। तो हम वीडियो बनाने यहाँ पे आए थे, लेकिन मेरी भाई की अपनी शूटिंग शुरू हो गई है, बट इसकी बनानी पड़ेगी वीडियो, नहीं तो फिर ये मेरी नहीं बनाएगा। व्यू आप चेक करें ज़रा एक दफ़ा, क्या खूबसूरत व्यू है। बादलों के गरजने की आवाज़ें भी आप लोगों को आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे तो बारिश का फुल मौसम बना हुआ है, इतना ज़बरदस्त वेदर है कि क्या मैं आपको बताऊँ। पहुँच
एक्साइटेड क्योंकि पीछे है बहुत ज़्यादा धूपी और अभी जो है यहाँ पे वेदर थोड़ा आगे चेंज हुआ है और जो जो हम आगे जा रहे हैं ऐसे लग रहा है जैसे आगे बारिश है। और मैं दानिश को कह रही थी तुम अपर क्यों पहन के जा रहे हो इतनी गर्मी में, लेकिन अभी रियलाइज़ हुआ है कि इनको पहले से एक्सपीरियंस था कि यहाँ पर इसके ऐसे सीन्स होने वाले हैं। आगे कितना रास्ता है क्या लग रहा है आपको? आधे घंटे का रास्ता होगा। हाँ आधे घंटे का है तो चले जाते हैं। अभी दानिश का बिल्कुल मूड नहीं है जाने का, कह रहा है अंधेरा हो जाएगा, बट हम कंटिन्यू करते हैं आगे जाते हैं। बट हम लोग पहुँचने वाले हैं तो यहाँ आके थोड़ा प्लान हमारा ऐसे हो रहा है कि हम जो है ना डिले कर दें बारिश की, शायद आपको आवाज़ आ रही हो तो फिर बारिश होगी तो हम दोनों हैं, लेकिन यह है कि थोड़ा सेफ नहीं है। सो अगर हम आगे गए तो आपको आगे दिखाते हैं और अगर जो है ना हम लोग यहीं तक रुके तो यहीं तक वीडियो क्लोज करेंगे। बारिश स्टार्ट और हम लोगों ने एक जगह पे स्टे किया है, मगरिब की अजान का टाइम होने वाला है और मोबाइल की चार्जिंग भी कम हो गई है क्योंकि अभी ऊपर जाके मैं आप लोग को जो है ना अगर हम पहुंचते हैं इंशाल्लाह खैरियत से तो हम आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं, बट ज़बरदस्त यहाँ का माहौल बन चुका है। कोशिश की है कि टॉप पे जाएँ आपको दिखाएँ, बट बारिश जैसे कि हम हालात देख सकते हैं बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा बारिश लगी हुई है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है। तो इस व्लॉग को इंशाल्लाह नेक्स्ट एक बार फिर मैं यहाँ पे आऊँगी डायरेक्ट आपको पंचपीर से मैं दिखाऊँगी पूरा व्यू। यहाँ से तो मैंने पूरी कोशिश की है लेकिन मैं जो है ना एंडिंग नहीं कर सकी, आप लोगों को दिखा नहीं सकी, बट रास्ते में काफ़ी अच्छे अच्छे आपको व्यूज़ दिखाएँ। सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हम लोगों ने एंडिंग कर दी है, बारिश बहुत ज़्यादा है, फिर भी कुछ व्यूज़ ऐसे हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। और ठीक है, इतनी ज़बरदस्त वेदर हो चुका है यहाँ का, बहुत ही ज़बरदस्त। इतनी शाहरे खाने का इतना कुछ जुनूनी हुआ है कि इतनी तेज़ बारिश में ना इसे दिल कर रहा है आहरे खाने का। आहरे बोलते हैं इनको, आई डोंट नो ये कोई फ्रूट है, फ्रूट है ना? हाँ। चेक करवाओ ज़रा मुझे, इतना भी कोई भूखा ना हो। दानिश यहाँ ट्राई किए हैं, एक फ़ोन जो है ना उठाया हुआ है। दानिश बिल्कुल तैयार है, जा रहे हैं वापस, अल्लाह हाफिज़ बोल दें आप भी, अल्लाह हाफिज़। और इंशाल्लाह अभी ये हमारा लास्ट क्लिप है यहाँ पे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ज़रूर आएगी वीडियो पंचपीर रॉक्स की। अभी कुछ हालात ऐसे हैं, मगरिब की अजान होने वाली है तो बिल्कुल भी जाना रिस्की है। मैंने अपना 100% कोशिश किया कि मैं बनाऊँ वीडियो जाऊँ एंड तक, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं बना सकी। सो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।